जैसा कि आप सब अवगत हैं कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर से बचाव हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आज रात्रि 8 बजे से, यानी कि 17 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से लेके 19 अप्रैल सोमवार की प्रातः 7 बजे तक, 35 घंटे तक का कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लगाया जाए। और इस 35 घंटे के अंतराल में जिला प्रशासन एवं जितनी हमारी नगर निकाय ये प्रयास करेंगे कि बृहद सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का अभियान चलाया जाए ताकि कोरोना के इस संक्रमण में हम कुछ कमी ला सकें। उसके आदेश आज जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए हैं। मैं ये बहुत संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ कि इस 35 घंटे के अंतराल में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। हमारे पंचायत चुनाव इस समय चल रहे हैं, पंचायत चुनाव से संबंधित समस्त गतिविधियाँ इस 35 घंटे के अंतराल में भी चलेंगी। कल प्रतीक आवंटन होगा, उसमें भी प्रत्याशी इत्यादि आएंगे, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो लोग रेलवे से, बस से या विमान से यात्रा कर रहे हैं, उनके भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। पूर्व की भांति जितनी हमारी आवश्यक वस्तुएं और सेवाओं से संबंधित गतिविधियां हैं वो भी चलती रहेंगी। मालवाहक वाहन इत्यादि चलते रहेंगे। मंडी में जितनी कार्रवाई है वो सब होती रहेगी। जो निर्माण के कार्य हैं, एक्सप्रेसवे इत्यादि, वो सब भी चलते रहेंगे। लेकिन बाकी जितनी भी अन्य गतिविधियां हैं वो सब प्रतिबंधित रहेंगी। इस और ये आप जानते ही हैं कि पूर्व में भी जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया था कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, आवश्यक सेवाओं को छोड़ के। वो प्रतिबंध भी लागू रहेगा। ये प्रतिबंध 35 घंटे का आज रात यानी 17 अप्रैल की रात 8 बजे से लेके सोमवार यानी 19 अप्रैल की प्रातः 7 बजे से रहेगा। और सोमवार 19 अप्रैल से आगे चलते हुए रात्रि प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। पुनः मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोरोना संक्रमण के इस बढ़ती हुई गति से को थामने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करें। जहाँ तक संभव हो घर पर ही रहें, और जो जो अनुमन्य है वो तत्काल कोविड का टीका लगवाएं। धन्यवाद।